चक्कर ये पै गया कि पोइट्री लिखनी तो मतलब दिल तो सी मतलब इच्छा सी कि लिखना है कुछ तो हिंदी च लिख बैठी तो इंट्रो बोलनी आती। चलो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई हो। हम सभी ही बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतने गुणी अध्यापक मिले, और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता पेश करने जा रही हूँ जो मेरी खुद की लिखी हुई। अध्यापकों के संग बचपन से जवानी तक का सफर, वो जो हमारे बस्ते पकड़कर हमें कक्षा तक ले जाते हैं, खाना कैसे खाना चाहिए और नई चीजें हम सिखाते हैं, झगड़ते हैं जब कक्षा में सभी तब वो डांट लगाते हैं, चलता है सिलसिला फिर यूं ही गुजरते वक्त के साथ हम बड़े हो जाते हैं। उम्र भले ही बड़ी हो हमारी, उम्र भले ही बड़ी हो हमारी, माँ बाप अध्यापकों के लिए सदैव बच्चा ही कहलाते हैं, चलता है दौर जवानी का और पीरियड बंक करने लग जाते हैं, मन में आते हैं ख्याल ऐसे आज क्लास नहीं लगाते हैं, जब पकड़े जाते हैं भरी महफिलों में, भरी महफिलों का मतलब है कि अपनी महफिल लागे जो बगीचे में बैठे रहने, जब पकड़े जाते हैं भरी महफिलों में तब अध्यापक राग सुनाते हैं, पकड़ कर कान हमारे फिर हमें कक्षा में बिठाते हैं, ऐसे बीते सालों में कॉलेज से यूनि आते हैं, नई नवेली आड़ में खुद ही हवा कर जाते हैं, नए मोड़ जिंदगी के इसी पल में आते हैं, भरी जवानी नहीं गवानी ऐसे मशवरे गुरु ही समझाते हैं, दिल में हर पल हमें हमारे गुरु ही याद आते हैं, हर बात हर मशवरा और वो मीठी सी डांट हमारी जिंदगी का जरिया बन जाते हैं, उनके तजुर्बे उनकी शिक्षा हमें हर पल याद आएगी, एक दिन हमको जब हमारी मंजिलें मिल जाएंगी।